खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। सबसे पहले चार बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी साझा की। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस साल की पहली वित्त तिमाही की जीडीपी में -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्री के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। पहली तिमाही में रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव पर एक बार फिर से चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया था। जानकारी के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिक ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा कोरोना संक्रमित मिले हैं। उन्होंने सोमवार शाम को खुद इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। मोहसिन रजा ने कोरोना रिपोर्ट आने के बाद खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। तो ये चार बड़ी खबरें थी। अब आपको दिखाते हैं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। आपको ये बहुत दुखद खबर है कि भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। हरीश रावत जी, बहुत दुखद खबर है, हम सबके बीच प्रणवदा नहीं रहे हैं। ये अत्यधिक हृदय विदारक समाचार है जी। इस समाचार को न सुनने के लिए करोड़ों लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी साहब के जीवन के ऊपर आया हुआ संकट टल जाए करके। हमने भी भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की थी कि उनके ऊपर संकट टले। वो भगवान केदारनाथ के अनन्य भक्त थे जी। एक महापुरुष जैसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच से चला गया और वो अजात शत्रु राजनीतिक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक परम राष्ट्रभक्त होते हुए भी जो है राजनीतिक हितों में पार्टी के और राष्ट्रीय हितों में संतुलन बनाए रखने की कला के बहुत उसमें प्रवीण थे जी। तो प्रणब मुखर्जी साहब नौजवानों के लिए एक गाइड एंड फिलोसफर थे और जो सीनियर पॉलिटिशियन है उनके लिए एक अच्छे सलाहकार भी थे। तो उनके उनके मार्गदर्शन की देश को इस संकट की घड़ी में बड़ी जरूरत थी। जब चतुर्दिक संकट है, चारों तरफ चुनौतियां देश के सामने हैं, तो ऐसे समय में प्रणब दा का जाना बहुत आकर गया और ये देश के लिए बड़ा आघात है। भगवान शिव काली उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दें। मैं अभिजीत जो उनके बेटे हैं उनसे मेरी दोस्ती है, मैं अपनी संवेदनाएं उन तक
और सर मिश्रा पहुंचाना जी। हरीश रावत जी बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व था उनका, एक युग का अंत हम कहेंगे इसे हुआ है, क्योंकि प्रणवदा का जो एक व्यक्तित्व था वो इससे छलकता था, उन्हें भारत रत्न दिया गया 2019 में, पद्म विभूषण, सर्वश्रेष्ठ सांसद, सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री, ये तमाम उनकी कार्यशैली को दर्शाता है कि किस तरह से उन्हें पद मिले, उन्होंने बखूबी उन पदों पर रहते हुए सर्वश्रेष्ठ काम किया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें कि कांग्रेस के संकट मोचक भी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि कई वर्षों तक उन्होंने कई पदों को हरीश रावत जी संभाला, आपने तो देखा है इन चीजों को। वो कांग्रेस के भी संकट मोचक थे जी, वो देश के लिए भी एक मार्गदर्शक जी। मैंने कहा कि वो पार्टी हितों में और राष्ट्रीय हितों में एक अद्भुत संतुलन बनाना जानते थे, और हम लोगों से सबसे कहते थे कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और पार्टी हित का संतुलन उसके साथ साधने की कला को आप लोगों को सीखना चाहिए करके। और प्रणव जी नई पीढ़ी के लोगों के लिए मार्गदर्शक शिक्षक भी थे, वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल कहिए, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर कहिए, उनमें विलक्षण प्रतिभा थी जिनकी, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। और वो एक अजात शत्रु राजनीतिज्ञ भी थे, पार्लियामेंट में अपने कटु से कटु विरोधी को, कटु से कटु प्रहार को वो इस तरीके से निष्प्रभावी बना देते थे कि उस कला के लिए जो है उनके विरोधी भी वाह वाह कर उठते थे, और दूसरे के मन को चोट पहुंचाए बिना और व्यक्ति को अस्त्रहीन कर देना, ये कला केवल प्रणब मुखर्जी साहब में थी। और आज जब हम देखते हैं असहिष्णुता बढ़ रही है, जब हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञों में सहनशीलता नहीं रह गई है, तब प्रणवदा बहुत याद आते हैं, उनका गुस्सा भी बड़ा प्यारा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी हर चीज में कुछ उनके विद्वता की झलक मिलती थी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हरीश रावत जी, व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन की हमने बात की, व्यक्तिगत जीवन की कोई याद अगर आज आप साझा और ताजा कर पाए हमारे दर्शकों से कि आखिरी मुलाकात आप जी। मैं शुरू में पार्लियामेंट में गया था, तो हम लोकसभा में थे जी, तो बीच में कूद करके कभी कोई मंत्री बोल रहा है तो हम कुछ टिप्पणियां कर देते थे, कभी कुछ कहते थे। तो एक दिन प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे बुलाया जी, बोले अरे शिखर आओ। तो मुझे पहले तो आशीर्वाद जी मेरा नाम जी। खैर बहरहाल उस समय तक हम इतने सक्रिय थे कि नाम जान गए होंगे हमने समझ लिया, मगर थोड़ा सा हिचकिचाए क्यों किया। बोले तुम बहुत अच्छी तरीके से बीच में बड़ी सटीक टिप्पणियां करते हो, इसको जारी रखो और धीरे धीरे अच्छे पार्लियामेंटेरियन बन जाओगे। और तो ये था मुझे उनका वो जो उनके वो शब्द जिंदगी में हमेशा याद रहे। और उसके बाद एक बार हम लोग पार्लियामेंट का रिओरियंटेशन कैंप गैंगटॉक में लगा था, तो उनके साथ मैं भी था पैनल में, जिन लोगों को जो नए पार्लियामेंटेरियन थे उनको लेक्चर देना था, तो उसमें उनको मेरे लेक्चर ने बड़ा प्रभावित किया और मुझसे बड़े खुश हुए। मुझसे कहने लगे, और सेक्रेटरी जनरल को उन्होंने वहीं पे टेलीफोन करके कहा कि रावत को ज्यादा से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करो, ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के और दूसरे मामले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, आपने बहुत सारी यादें ताज़ा की हैं। हमारे साथ मनोज पांडे जी भी जुड़े हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। मनोज पांडे जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड के, उन्होंने भी बहुत सारी यादें साझा की हैं। प्रणवदा का हम सबके बीच में से चले जाना, एक युग का अंत इसे हम कह सकते हैं, आप किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, एक युग पुरुष की संज्ञा हमको दी जा सकती है। उन्होंने जो भी दायित्व उनको मिला आज तक, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस पद पर भी वो रहे, एक अमिट छाप छोड़ा उन्होंने, और एक को बहुत अविस्मरणीय काम अपने मंत्रालयों के अधीन उन्होंने किया था, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सम्मान करने वाली घटना है। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड से उनका विदेश लगाव था, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे माननीय सुप्रीमो शिबू सोरेन जी से उनका व्यक्तिगत लगाव था। वो जब पार्लियामेंट, जब ये प्रेसिडेंट के लिए वो खड़े हुए थे यूपीए के उम्मीदवार के रूप में,
तो वो मोराबादी स्थित उनके आवास में रांची में आए थे जी। वहीं हम लोगों ने पहली बार मेरी व्यक्तिगत रूप से हमने बहुत नजदीक से करीब से देखा था उन्हें, बहुत ही सौम्य, बहुत मृदुभाषी और एक कमिटमेंट के पक्के, और झारखंड और झारखंडियों के प्रति उनकी मनोभावना बहुत ही शुरू से सकारात्मक रही थी। मैं बहुत, मुझे लगता है कि एक युग का अंत हो गया और उनके जो योगदान है उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी जो, उनके द्वारा जो मैंने उनके दुखद जो समाचार प्राप्त हुए, तो एक रिक्त स्थान कहीं ना कहीं दिखेगा और बहुत ही बिल्कुल आपने सही कहा, ये रिक्त स्थान है, कभी भर नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज पांडे जी। मिथिलेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झारखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। मिथिलेश जी, मनोज पांडे जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े थे, उन्होंने झारखंड से जुड़ी हुई यादें बताई कि प्रणब मुखर्जी का किस तरह से लगाव था वहां पर। आज हम सबके बीच वो प्रणवदा नहीं है, आप किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें? निश्चित रूप से आज हमने भारतवर्ष में एक रत्न खो दिया है। हम सबसे पहले उन्हें अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज भारतीय राजनीति में शून्य आ गया है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है जी। वो काफी प्रखर और मुखर नेता के रूप में शुरू से ही, अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत से ही वो माने जाते रहे हैं, और जिस दल में रहे उस दल की गलत नीतियों का भी वो निरंतर विरोध करते रहे, और लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा वो दृढ़ संकल्पित रहे जी। और हमारे झारखंड के प्रति तो उनका, झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के बीरभूम से वो आते थे, लेकिन झारखंड के प्रति उनका विशेष लगाव था जी। और झारखंड के विकास के प्रति वो हमेशा गंभीर, हमेशा चिंतित रहते थे, और जब भी वो झारखंड आते थे तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के निर्माता देशम गुरु शिव सोरेन जी से जरूर मुलाकात करते थे। उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था जी, और हम उन्हें खोकर आज बर्माहत हैं। आज यही कामना कर सकते हैं कि ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक जीवन की हम बातें बहुत सारी कर रहे थे। मित्रेश जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश के अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीति जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ओम बिरला को आप सुन रहे थे। ऐसे तमाम लोग जो आज प्रणब मुखर्जी को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रणब मुखर्जी के निधन से देश में शोक की लहर है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, कब राजनीतिक सफर उनका शुरू हुआ। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में इसके सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे, और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। और
मेरा उनके संबंध तो बहुत बहुत पुराना संबंध रहा, क्योंकि 1990 के बाद मैं पहली बार उनको मिला, तो तब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। तो मुझे याद है कि हम बेल्वेडेर में, मैं, ललित भसीन और वो अक्सर कॉफ़ी पिया करते थे और चाय पिया करते थे और चर्चा करते थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और किस तरह से मुखर्जी साहब को वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी में आए और उनकी जो मेमोरी थी वो कभी किसी बात को भूलते नहीं थे। अगर उनको आप 1950 की बात याद करो, याद करवा दो कि भाई उसमें, तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे। बहुत सारी यादें हैं जो अपने अपने तरीके से आज आप याद कर रहे हैं प्रणव दा को। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। सरयू राय जी, एक बहुत दुखद खबर आई आज कि प्रणव दा हम सबके बीच में नहीं रहे। जी, प्रणव दा का कि नहीं रहने से एक खालीपन हुआ है, केवल राजनीति में नहीं, एक देश का बड़ा व्यक्ति छूट गया है हम लोगों के बीच से जी। और प्रणब मुखर्जी से हम लोगों के निजी संबंध कई मामलों में स्थापित हुए थे। तो मैं उनके साथ 3-4 जगहों पर निखिल भारत भंग साहित्य सम्मेलन में गया था जी। उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला था। राष्ट्रपति हुए थे तो मैंने प्रणव बाबू के सामने एक प्रस्ताव रखा था जी कि आज जो पूर्वी भारत के 4 राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, जो कभी एक ही राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे, इन राज्यों के विकास के बारे में कुछ ठोस चीज होनी चाहिए। पूरे देश में सबसे अधिक साधन समृद्ध राज्य हैं, परंतु विकास के मामले में पूरे देश से पीछे हैं, इनको उचित हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो इस पर हमारे एक नोट को प्रणव बाबू ने अप्रिसिएट भी किया था, उन्होंने कहा था एक कथा छे इस पर उनके साथ बात हुई, उनके साथ कार्यक्रम हुए। इसलिए लगता है कि एक अभिभावक सदृश व्यक्ति अपने यहाँ से उठ गया है। कई दिनों से बीमार थे और बीमारी इतनी गंभीर थी कि देश को सहज अनुमान हो गया था कि प्रणव बाबू हम लोगों के साथ बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। इसलिए उनके जाने से एक कोई अचानक शौक लगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु उनका जाना अपने आप में एक ऐसी घटना है जिससे एक ऐसी रिक्ति उत्पन्न हुई है जिसका स्मरण हम हमेशा करेंगे। जिनके साथ उनके गैर राजनीतिक संबंध थे, हम लोगों का तो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, परंतु आरंभ से ही हम लोग प्रणव बाबू के व्यक्तित्व के प्रशंसक रहे हैं, कांग्रेस में से तब, कांग्रेस से बाहर थे तब, राष्ट्रपति हुए तब। इसलिए देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, एक क्षति है और हम भी ये कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद सरयू राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन कुमार बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। पवन कुमार जी, सरयू राय जी भी हमारे साथ जुड़े थे। वाकई एक बहुत बड़ी क्षति है, एक युग का अंत है प्रणव दा का जाना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआत की, कई अहम पदों पर रहे और बहुत सारे बड़े बड़े सम्मान प्रणव दा को प्राप्त हुए थे, इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था प्रणब मुखर्जी का। वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो गांव में गिने जा सकते थे जी। उन्होंने हर पद पे काम किया, यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री के तौर पे जब उनको पूरे दुनिया भर में वहां के नेताओं से बात करनी पड़ती थी, एक बिल्कुल फखर के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ उनसे बात करते थे और देश के हित की बात वहां करते जी। जब यहाँ देश में एक जब लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, मुझे मौका मिला था उस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करने का, तो उस वक्त तो रोजाना ही उनसे वास्ता रहता था। जो दिक्कतें सदन में आती थी शायद उनके बिना उनका कोई समाधान नहीं कर पाता था। एक ऐसी जरूरत उनकी रहती थी, एक ऐसी निगोशिएटिंग पावर थी उनमें कि सबसे बातचीत करके, कोई किसी तरह का फॉल्स प्रेस्टीज नहीं, विपक्ष के नेताओं के पास जाना है वहां हाथ लेके मुझे उनके जाके उनसे मिलते, उनसे बात करते और सदन को चला पाए बिना किसी व्यवधान के, वो उसमें कामयाब अखीर में होते थे। सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि वो बहुत ही मेहनती इंसान थे, हर वक्त काम पे लगे रहते थे, जिसकी जैसे कहें कि यही उनका एक फलसफा था, यही उनका अपना गान, यही उनकी एक जीवन की शैली यही थी और यही वो एक हमें विरासत भी उनकी यही रही है कि वो एक बहुत हार्ड वर्क, एक मेहनत के साथ काम करते थे और शायद ही कोई आराम का उनको किसी वक्त कोई मौका मिलता हो। हर वक्त काम पे लगे रहते थे, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते थे और सुबह उठ के ही तैयार होते थे हम लोग। देरी हमारी यहाँ पहुंचने की हो सकती थी, उनकी नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार बंसल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बहुत बड़ी क्षति है प्रणव मुखर्जी
का निधन, क्योंकि राजनीतिक जीवन हमने आपको बताया किस तरह से था उनका, बड़े बड़े उनको सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व प्रणव दा का रहा है, इसीलिए आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। तो नेताओं से लेकर आम जनता तक आज प्रणव मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।